Good morning, children. How are you all? I hope you all are fine and staying safe at your home. I am Sakshi, your computer teacher. Last class में हम कर रहे थे आपके book के chapter 2, GUI operating system, desktop management के revision. So आज हम उसी chapter के revision को continue करेंगे, उसे आगे read करेंगे. Okay? So आपने क्या करना है children? आपको भी साथ साथ chapter को revise करना है, उसको learn करना है. क्योंकि रिवीजन के बाद क्या होगा, इसका टेस्ट होगा, है ना. सो आपने क्या करना है, इसे अच्छे से लर्न करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो चिल्ड्रन, अब आज हम पढ़ेंगे आइकन्स के बारे में. आइकन्स आर स्मॉल पिक्चर दैट रिप्रेजेंट फाइल्स, फोल्डर्स एंड प्रोग्राम्स. आइकन्स क्या होती हैं, स्मॉल पिक्चर्स होती हैं. जैसे यहाँ पे क्या है, स्मॉल स्मॉल पिक्चर्स है ना, और इनके नीचे क्या लिखे हुए हैं, इनके नेम लिखे हुए हैं. ठीक है, तो ये क्या है, आइकन है. ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करती है, किसी भी फाइल को, फोल्डर को या प्रोग्राम को. ओके, द आइकन्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. सो जो आइकन्स होते हैं वो किस लिए होते हैं इंपॉर्टेंट, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. कौन, आइकन्स. ओके, जैसे कि क्या है, डिफरेंट डिफरेंट आइकन्स दिए हुए हैं. ठीक है, ये क्या है, कंप्यूटर का आइकन है, ये एप्लीकेशन आइकन्स हैं, ये शॉर्टकट आइकन्स, ये डॉक्यूमेंट आइकन्स, ये नेटवर्क आइकन, और ये क्या है, रिसाइकल बिन का आइकन है. ठीक है, तो आपको ये रीड करना है. ठीक है, आप ये रीड कर लेना चिल्ड्रन. जैसे कि जो कंप्यूटर का आइकन है वो क्या है, गिव्स यू अ व्यू अवेलेबल डिवाइसेस एंड देयर कंटेंट स्टोर ऑन द कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर का जो आइकन होता है उसमें चिल्ड्रन क्या होते हैं, इससे हमें पता चलता है कि हमारे कंप्यूटर में कौन सी ड्राइव्स हैं. ठीक है, उसमें क्या डाटा स्टोर है, वो हमें कहाँ पे शो होता है चिल्ड्रन, कंप्यूटर आइकन में शो होता है. ठीक है, और हम क्या करते हैं, इसको डबल क्लिक करके इस आइकन पे इसको हम ओपन कर सकते हैं. ठीक है, सो चिल्ड्रन आपको इन आइकन्स की डिटेल पढ़नी है. ओके, आगे अब हम करेंगे कस्टमाइजिंग द डेस्कटॉप. अब हम डेस्कटॉप की कस्टमाइजेशन करेंगे. ठीक है, विंडो 7 इज़ क्वाइट फ्लेक्सिबल एज इट प्रोवाइड्स मैनी ऑप्शन टू चेंज द सेटिंग ऑफ डेस्कटॉप अकॉर्डिंग टू अ रिक्वायरमेंट. जो हम विंडो 7 है चिल्ड्रन, उसमें क्या कर सकते हैं, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेस्कटॉप की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं. ठीक है, तो हम सबसे पहले कस्टमाइजेशन करने के लिए क्या करेंगे चिल्ड्रन, राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप एंड सेलेक्ट द पर्सनलाइज ऑप्शन. द पर्सनलाइजेशन विंडो अपीयर्स. हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप के ब्लैंक एरिया पे एक राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे पर्सनलाइज ऑप्शन को. पर्सनलाइज ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद पर्सनलाइजेशन विंडो ओपन हो जाएगी. उसके बाद हम करेंगे क्लिक ऑन द विंडो कलर ऑप्शन. उसके बाद हम विंडो कलर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जो कहाँ पे होता है, विंडो की बॉटम पे होता है, नीचे होता है. बॉटम का मतलब नीचे. सिलेक्ट एनी कलर टू द चेंज द कलर ऑफ विंडो बॉर्डर स्टार्ट मेन्यू एंड टास्क बार. उससे क्या होगा चिल्ड्रन, काफ़ी सारे हमको कलर्स की ऑप्शन मिल जाएगी, और हम क्या करेंगे, उससे कलर सेलेक्ट करके हम विंडो के बॉर्डर, स्टार्ट मेन्यू और टास्क बार का कलर क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं. ठीक है, जैसे ये क्या है, ये कलर्स की ऑप्शन है, यहाँ से हम कलर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं. और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है सिलेक्ट द इनेबल ट्रांसपेरेंसी. यहाँ एक ऑप्शन होता है इनेबल ट्रांसपेरेंसी का. इससे क्या होता है, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो विंडो के क्लास बॉर्डर, स्टार्ट मेन्यू और टास्क बार क्या हो जाते हैं, ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं. सेट द कलर इंटेंसिटी ऑप्शन. और जो ये सेट द कलर इंटेंसिटी का ऑप्शन है चिल्ड्रन, ये क्या है, ड्रैगिंग बार है. ठीक है, अगर हम इसको राइट मूव कर सकते हैं, लेफ्ट में मूव कर सकते हैं, जैसे हमें कलर की इंटेंसिटी चाहिए होगी हम उसके अकॉर्डिंग इसको मूव कर सकते हैं. ठीक है, सो इट विल इफेक्ट द विंडोज़ ग्लास बॉर्डर, स्टार्ट मेन्यू एंड द टास्क बार कलर स्ट्रेंथ. इससे क्या होगा, जो विंडो के ग्लास बॉर्डर हैं, स्टार्ट मेन्यू है, टास्क बार है, उसकी कलर पे, स्ट्रेंथ पे डिफरेंस पड़ेगा. ठीक है, इफेक्ट पड़ेगा. नेक्स्ट है ऑप्शन क्लिक ऑन द शो कलर मिक्सचर ऑप्शन टू सेट द ह्यू, सैचुरेशन, ब्राइटनेस ऑप्शंस टू गिव द कलर इफेक्ट.
यहाँ पे देखिए चिल्ड्रन, शो कलर मिक्सचर का ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन जो है ह्यू का, सैचुरेशन का, ब्राइटनेस का, इसको भी हम ड्रैग करके क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे क्या है, एडवांस अपीयरिंग सेटिंग्स, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद क्या होगा चिल्ड्रन, विंडो कलर एंड अपीयरिंग डायलॉग बॉक्स विल ओपन। ये क्या है, विंडो कलर एंड अपीयरेंस का डायलॉग बॉक्स है, इसको क्लिक करने के बाद ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे चिल्ड्रन, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो प्लेस नेक्स्ट टू द आइटम, यहाँ पे आइटम है ना चिल्ड्रन, और यहाँ पे क्या है, ड्रॉप डाउन ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे और क्या सेलेक्ट करेंगे, एक्टिव टाइटल बार, ठीक है। नाउ क्लिक ऑन द कलर ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स एंड सेलेक्ट एनी कलर ऑफ योर चॉइस, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कलर को चॉइस कर सकते हैं, कलर को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ से हम फॉन्ट को देख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग फॉन्ट को हम सिलेक्ट कर सकते हैं जो हमें पसंद हो। उसके बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद जो भी हमने सेटिंग्स सेव करी हैं वो एप्लीकेबल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे चिल्ड्रन कस्टमाइजिंग द विंडो सेटअप, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, सिस्टम की डेट और टाइम को सेट करेंगे, ठीक है। सो इसे करने के लिए हम क्या करेंगे चिल्ड्रन, क्लिक एट द एक्सट्रीम राइट ऑन द नोटिफिकेशन एरिया वेयर यू सी द डेट एंड टाइम। जो नोटिफिकेशन एरिया होता है ना नीचे टास्क बार में एक्सट्रीम राइट पे, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमें डेट और टाइम दिखता है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सिलेक्ट द चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग्स, हम किसको सिलेक्ट करेंगे, चेंज डेट और टाइम सेटिंग्स को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या होगा, डेट और टाइम का जो डायलॉग बॉक्स है वो अपीयर हो जाएगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट द डेट एंड टाइम टैब इज सिलेक्टेड, और उसके बाद बाय डिफॉल्ट अपने आप क्या होगा, डेट और टाइम का टैब सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो डेट को चेंज करने के लिए चिल्ड्रन हम क्या करेंगे, टू चेंज डेट क्लिक ऑन द चेंज डेट एंड टाइम बटन, द डेट एंड टाइम सेटिंग डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। उसको क्लिक करने के बाद क्या होगा, डेट और टाइम का जो सेटिंग का डायलॉग बॉक्स है वो अपीयर हो जाएगा। सिलेक्ट द करंट डे इन द डिस्प्ले कैलेंडर, इसके बाद क्या होगा, जो हम कैलेंडर है उससे क्या करेंगे, करंट डेट को सिलेक्ट करेंगे, डेट को सिलेक्ट करेंगे। यू कैन चेंज द मंथ यूजिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बटन प्रेजेंट ऑन द कैलेंडर। ये जो यहाँ पे आपको बटन दिख रहे हैं, ये फॉरवर्ड, ये बैकवर्ड बटन है, ये फॉरवर्ड बटन है, इसे हम क्या कर सकते हैं, मंथ को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और टाइम चेंज करने के लिए, टू चेंज टाइम, टू चेंज द आर सिलेक्ट द आर इन द टेक्स्ट बॉक्स एंड लोकेटेड बिलो द क्लॉक। ये देखिए चिल्ड्रन, ये क्या है, क्लॉक है, इसके नीचे क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, स्पिन एरोस भी दिए हुए हैं हमें, ठीक है। यहाँ से हम अप वाले एरो से वैल्यू क्या है, इंक्रीज कर सकते हैं, और डाउन वाले से डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे ही हम आर्स को, मिनट्स को और सेकंड्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लिक ओके, ठीक है। द डेट एंड टाइम ऑफ सिस्टम विल चेंज अकॉर्डिंगली, जो हमने यहाँ पे टाइम और डेट को सिलेक्ट किया है, ओके करने के बाद वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सेटिंग वॉल्यूम ऑफ स्पीकर, हम स्पीकर की वॉल्यूम को कैसे सेट करेंगे चिल्ड्रन। क्लिक ऑन द स्पीकर आइकन प्रेजेंट ऑन द नोटिफिकेशन एरिया, नोटिफिकेशन एरिया में क्या होता है, ये आइकन होता है, ये स्पीकर का आइकन होता है, हम इस पर क्लिक करेंगे। इन द पॉपअप विंडो ड्रैग द स्लाइडर अप एंड डाउन टू इंक्रीज द वॉल्यूम रिस्पेक्टिवली, उस पर क्लिक, इस पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, ऐसे एक ड्रैग अप ऑन हो जाएगा। अगर हम इसको ड्रैग को अप करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, नीचे लेके जाएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी। क्लिक द मिक्सचर इफ़ यू वॉन्ट टू सेपरेटली कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ कंप्यूटर स्पीकर्स एंड अदर साउंड डिवाइसेस। अगर हमें कंप्यूटर स्पीकर की या और डिवाइसेस की साउंड को कंट्रोल करना है तो हम क्या करेंगे, मिक्सचर पे क्लिक करेंगे। टू म्यूट द वॉल्यूम क्लिक द म्यूट स्पीकर बटन। अगर हमें कंप्यूटर, अगर हमें वॉल्यूम को म्यूट करना है तो हम क्या करेंगे, म्यूट स्पीकर बटन पे क्लिक करेंगे, जो ऐसा दिखता है, ठीक है चिल्ड्रन।
आज अब हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ शॉर्टकट मेन्यू। शॉर्टकट मेन्यू का यूज़ हम कैसे करते हैं। व्हेन यू राइट क्लिक ऑन एनी आइकन अ पॉपअप मेन्यू अपीयर व्हिच इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। जब हम किसी आइकन पे राइट क्लिक करते हैं चिल्ड्रन, तो क्या होता है, एक पॉपअप मेन्यू ओपन हो जाता है, ठीक है, और उसको हम और क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू बोलते हैं। Using this pop-up menu, you can save your time to access commands. इस pop-up menu की हेल्प से हमें क्या मिलते हैं, different options मिलते हैं, ठीक है, उससे हम क्या कर सकते हैं, अपने time को save कर सकते हैं। Right clicking on the different areas, an object will display different set of commands in the context menu. जो different जो icons होते हैं, ठीक है, उस पर हम राइट क्लिक करते हैं। सो जो डिफरेंट एप्लीकेशन आइकन्स होते हैं, उनके जो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू होते हैं, वो भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू इज ऑल्सो नोन एज शॉर्टकट मेन्यू। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को ही हम क्या बोलते हैं, शॉर्टकट मेन्यू बोलते हैं। यू विल फाइंड द प्रॉपर्टीज ऑप्शन एट द बॉटम ऑफ द लिस्ट। ये देखिए, जब हम डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करते हैं और जो ये बहुत सारे ऑप्शंस हमें मिलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं चिल्ड्रन, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू बोलते हैं, शॉर्टकट मेन्यू बोलते हैं। राइट क्लिकिंग ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप। व्हेन यू राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप, यू विल फाइंड अ मेन्यू विद द लिस्ट ऑफ ऑप्शंस। जब हम डेस्कटॉप पे ब्लैंक एरिया पे राइट क्लिक करते हैं चिल्ड्रन, तो हमें क्या मिलते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं। हम क्या करेंगे, द पर्सनलाइजेशन ऑप्शन कैन बी सी, और हमें क्या दिखेगा, पर्सनलाइजेशन ऑप्शन दिखेगा, है ना। यूजिंग द पर्सनलाइजेशन ऑप्शन यू कैन चेंज द बैकग्राउंड सेटिंग ऑफ द डेस्कटॉप स्क्रीन, सेव आवर अपीयरेंस ऑफ आइकन्स, मेन्यूज, मैसेज बुक्स, फॉन्ट, कलर एट्सेट्रा। सो जो पर्सनलाइज ऑप्शन है चिल्ड्रन, उसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, डेस्कटॉप की सेटिंग्स को, स्क्रीन सेवर्स को, आइकन्स की अपीयरेंस को, मेन्यूज को, फॉन्ट को, कलर को क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, उन पे विजुअल इफेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। राइट क्लिकिंग ऑन एन आइकन। When you right click on any icon on the desktop, you will find an entirely different menu. The properties will be found at the bottom of the list. जब हम किसी आइकन पे राइट क्लिक करते हैं चिल्ड्रन, तो क्या होता है, एक मेन्यू अपीयर होता है ना, तो उसके नीचे, सबसे नीचे क्या होता है, प्रॉपर्टीज का क्या होता है, ऑप्शन होता है, ठीक है। तो चिल्ड्रन, अब आपको ये चैप्टर अच्छे से रीड करना है सारा, और अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। कल हम नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे चिल्ड्रन, इसका बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर्स को रिवाइज करेंगे। ओके, सो बाय चिल्ड्रन, हैव अ गुड डे।